बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ में रमज़ान स्पेशल कीमा समोसे की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, घर के इंग्रेडिएंट्स से, सिंपल इंग्रेडिएंट्स से। तो वीडियो को फुल वॉच करें। ये देखिए बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है। इसे मैंने घर में ही कीमा बनाया है मिक्सर में, कुछ दरदरा सा कीमा, इस तरह से बारीक नहीं कीमा बनाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने पैन रख दिया है, उसमें डाला है 3 चम्मच तेल। 3 चम्मच तेल इसमें डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम कीमा, सारा कीमा इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें कुछ भी मिलाएंगे नहीं, अभी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ कीमे को ऑयल में अच्छे से भून लेना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए। पानी सूखने तक इसे अच्छे से भून लेना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता कीमा पूरा पानी छोड़ देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बड़ी बड़ी गुठलियाँ ना बने तेज़ आंच पे। तो ये देखिए हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसने पानी भी छोड़ना शुरू किया है। अब पानी सूखने तक इसे अच्छे से भून लेना है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी सूखा रहा है। ये देखिए इसने अच्छे से पानी इसका सूख चुका है कीमे का। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच होममेड गरम मसाला और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया ज़ीरा मिक्स, 1 चम्मच घर में ही कुटी थी मैंने फ्रेश। और यहाँ पर डालूँगी 4 मिर्चियाँ जिन्हें मैंने बारीक पीस लिया है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे 6 से 7 मिनट। यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पर डालूँगी काली मिर्च 1/2 चम्मच, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 6 से 7 मिनट फिर से वापस अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने 4 प्याज मैंने चॉपर में इसे चॉप कर लिया है 4 प्याज को। और ये है कुछ हरा धनिया, इन्हें भी इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कीमे के समोसे, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी 1.5 चम्मच अमूल बटर। बटर से यह कीमे का स्टफिंग बहुत ही जूसी बनती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। ये तैयार है, इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम चटनी बना लेंगे। चटनी के लिए ये देखिए मैंने डाला है यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना, मिर्चियाँ आपके हिसाब से, जितना आप स्पाइसी खाते हो उतना, 1/2 नींबू का रस, चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, पानी डालकर इसका। ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मैंने रेडी पट्टियों का, अच्छा समोसा पट्टियों का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने 10 मिनट पहले ही फ्रीज़र में से निकाल लिया है। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। ये स्लरी हमने मैदे की बनाई है। यहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगी आपको ये समोसे किस तरह फोल्ड किए जाते हैं। इस तरह से हमें समोसों को फोल्ड करना है। ये देखिए इसमें स्टफिंग डालेंगे, मैंने 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें डाली है। आप चाहे तो 1 चम्मच या 2 चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से इसे पैक करना है, इसे कहीं से भी खुला नहीं रखना है हमें। अब स्टफिंग स्लरी लेंगे हाथ पर, आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं उंगलियों का इस्तेमाल करती हूँ हमेशा, तो उंगलियों से ही लगा लिया है मैंने। इसे पैक कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए तैयार है हमारा समोसा। एक और समोसा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। इस पे भी मैंने 1.5 चम्मच स्टफिंग डाली है। बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। रमज़ान में तो हम कई कई तरह के समोसे बनाते हैं।
इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये समोसा हमारा रेडी हो चुका है। ऐसे ही करके हमने सारे समोसे को रेडी कर लिया है। ये देखिए, वन बाय वन हमारे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल रख दिया है मैंने और मैं अभी एक एक करके समोसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, एक साइड से हो चुके हैं ये, अब दूसरी साइड से इसे अच्छे से पका लेंगे और निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रंची बनते हैं ये। ये और समोसे मैंने डाल दिए इसमें। तो ये देखिए, हमारे गर्मा गर्म खस्ता समोसे तैयार हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे खस्ता से समोसे बिल्कुल बनकर तैयार है। माशाल्लाह, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार है। तो ये देखिए, समोसे हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़।